So, ये है MSI का Katana GP66 with 11800H and RTX 3060. Intel का ये सर्वगुण संपन्न प्रोसेसर लास्ट ईयर का सबसे घातक हथियार था एज अ गेमिंग सीपीयू. वैसे तो 12th जनरेशन आ गया है, बट इसका मतलब ये नहीं कि ये चाचा चौधरी बन गया है, क्योंकि ये आज सस्ते में अवेलेबल है. तो ये देखते हैं कि पैसा इस पे फसाना सही रहेगा या नहीं. सबसे पहले छोटा सा शॉर्ट अनबॉक्सिंग, जिसमें आपको मिलेगा सूटकेस वाला मजबूत डब्बा, बस ओपन करो एंड लैपटॉप हाजिर. साइड में आपको मिलेगा 180 वाट का अडैप्टर विद प्लग. ये पूरे चार्जर का साइज अप्रॉक्स 2.5 मीटर लंबा है, सो आपके कमरे से लेकर के किसी कोने में भी विद्युत आपको प्रोवाइड कर देगा ये. इसके बाद बीच में अपनी मौसी का लाडला GP66 Katana. डिजाइन वाइज रियली कूल, बिल्ड इसका काफी मजबूत है. आप हाथ फेरेंगे तो आपको पता चलेगा ये कितना मजबूत है. ये पूरा प्लास्टिक का बना हुआ है, इसलिए मे भी अप्रॉक्स 2.25 kg में सिमटा हुआ है. ऊपर आपको इसमें MSI का ड्रैगन फनफनाता हुआ मिलेगा, काफी डिसेंट लुक वाइज. हिंजेस आर स्ट्रॉन्ग एंड इसकी मदद से आप इसको पूरी तरह से सपाट कर सकते हैं. ये 180 डिग्री तक मुड़ जाता है. पतला सा ये दिखेगा बट सब्जी नहीं कटेगा. कीबोर्ड एंड लीड दोनों में ही कम फ्लेक्स है, उतना ज्यादा महसूस नहीं हुआ मुझे. वेट डिस्ट्रीब्यूशन इज आल्सो गुड, इसको आप एक हाथ से ऊपर लिफ्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट बूट टाइम, सो ये फटाफट ऑन हो जाता है अप्रॉक्स 12 सेकंड के अंदर, विच इज रियली फास्ट. इट्स अप्रॉक्स इक्वल टू एक Gen 4 SSD. अब थोड़ा घर के अंदर जाते हैं एंड शर्मीले लोगों से मिलते हैं, जिसमें परिवार का हेड है इंटेल का Core i7 11800H, 8 Core 16 Thread वाला सॉलिड प्रोसेसर, विच कम्स विद 45 वॉट TDP, जो कि 2.3 GHz से 4.6 GHz तक चमकेगा. सो एज यू नो कि 11800H एक शक्तिशाली प्रोसेसर है इंटेल का, एंड ये थोड़ा ज्यादा पावर जूस पीता है, इसलिए Cinebench का सिंगल कोर में थोड़ा उबलता हुआ कहीं कहीं दिखाई दिया मुझे. एंड ये उस टाइम अप्रॉक्स 95 डिग्री तक चला गया था, एंड यूजुअली भी ये आसपास 90 डिग्री के ही था. सो हीट काफी ज्यादा जनरेट कर रहा था, एंड इसका असर आपको वाइल्ड गेमिंग जरूर देखने को मिलेगा. वैसे पैकेज टेम्परेचर वॉज 95 एंड पावर ड्रॉन वॉज 75 वॉट इन मल्टी कोर टेस्ट, सो इट क्लियरली सेज कि ये थर्मल थ्रॉटल हो रहा था. सो इसको एक अच्छा खासा ठंडा करने वाला कूलिंग सिस्टम चाहिए होगा. याद रहे कि मैंने ये टेस्ट कूलर बूस्टर 5 ऑन करके ही ट्राई किया था, मींस इसका पूरा कूलिंग सिस्टम अपने औकात के ऊपर चल रहा था एंड इसका फैन डीजल इंजन की तरह आवाज कर रहा था, बट स्टिल इसका आवाज प्रेडेटर से तो थोड़ा कम ही था. उसके बावजूद टेम्परेचर काफी ज्यादा था. ऑल्सो हीट इसका आपको कीबोर्ड के बीच में महसूस होगा एंड थोड़ा राइट साइड भी. वैसे पास मार्क का भी हमने टेस्ट किया है, जो कि एक्चुअल यूजेज पे टेस्ट करता है, सो उसमें इसका स्कोर आया है 12692. GPU आपको इसमें थोड़ा निराशा दे सकता है, लाइक इसमें आपको मिलेगा RTX 3060 ही, बट विद 85 वॉट TGP 80+5 के फॉर्मेट में. ये मैक्स क्यू वाला है, बट ये बात देखने लायक है कि आपको ये 100,000 के बजट में मिल रहा है विद वेरी पावरफुल प्रोसेसर. जहां न्यू जनरेशन वाला प्रोसेसर के साथ वाले लैपटॉप्स 100,000 के अंदर शायद आपको RTX 3060 ना दे पाए, वो बात अलग है कि वो फुल TGP के साथ होंगे, बट ये भी 3060 है विद ऑप्टिमस. वैसे हमने यूनिजन का भी टेस्ट किया था अपने GPU के ऊपर में, जिसका स्कोर मिला है 4944 एंड FPS वाज 196. ये हमने हाई सेटिंग्स पे टेस्ट किया था. नेक्स्ट पार्ट इज फॉर माय सिटी गाइस. सो अगर आप ऑफलाइन लैपटॉप लेना चाहते हैं, देन डू विजिट श्वेता कंप्यूटर्स ऑन CTC सिकंदराबाद. एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टोर है एंड काफी फेमस है CTC पार्क लेन में फॉर लैपटॉप्स एंड PC कंपोनेंट्स. यहां आपको सारे रेंज के लैपटॉप्स फ्रॉम गेमिंग, स्टूडेंट कंटेंट क्रिएशन एंड ऑल एक्सेसरीज एट स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा, अगर आप RTX फैमिली से हैं ये ऐलान करते हैं तो. ऐलान करने पे आपको लैपटॉप के साथ ये ब्लूटूथ स्पीकर भी विद मोबाइल स्टैंड फ्री मिलेगा. सो डू विजिट देयर, डिटेल्स इन डिस्क्रिप्शन. डिस्प्ले 15.6 इंच का 1080p रिजोल्यूशन के साथ आएगा. थिन बेजल्स तीनों तरफ से ही है. ऊपर वेबकैम है. नाउ एज पर पैनल लुक, इसका डिस्प्ले इज आल्सो डेवलप्ड बाय इनोलेक्स एंड ये 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है विद 45% NTSC. मेरे हिसाब से MSI को एटलीस्ट 100% sRGB वाला डिस्प्ले देना चाहिए था. रिस्पांस टाइम इज अप्रॉक्स 9 मिलीसेकंड ग्रे टू ग्रे विद 250 nits ऑफ ब्राइटनेस एंड 1000:1 कॉन्ट्रास्ट रेशियो. सो डिस्प्ले तो ओके टाइप का है, बट शायद मुझे ही थोड़ा सा ब्राइटनेस कम लगा ऐसा महसूस हुआ मुझे. SSD इसमें आपको मिलेगा 512 GB किंगस्टन का SSD, जो कि Gen 3 का है बट बाय 4 लेन है. इसमें टोटल 2 स्लॉट्स हैं एंड दोनों ही स्लॉट Gen 3 वाले SSD के लिए हैं. इसको आप अपग्रेड कर सकते हैं. इसके साथ आपको एक हार्ड डिस्क का भी स्लॉट मिलेगा अलग से. इसके SSD का TBW है 300 TB, सो जब तक ये मार्क आता नहीं तब तक ये जिंदा रहेगा. फॉर्म फैक्टर इज 2280. पास मार्क स्कोर इस SSD का है 6800
535. As per Crystal Disk Mark, इसका read and write speed is approx 1238/979 MB/s. Also, ये score हमने तब नापा है जब मेरे disk approx 95% full था. शायद कम रहने पे अच्छा score आ सकता है. Next is RAM, which is 16 GB/SK Hynix, and ये दोनों slots में configured हैं with 3200 MHz frequency. ये X8 organization के हैं, so ये faster RAM है compared to 1RX161. Pass mark score for this RAM is 2516 points. Next is cooling system. So इसमें आपको बहुत सारे छिद्र वाले backside मिलेगा, which seems कि यह काफी ठंडा रहेगा, but actual कुछ खास इसका असर पड़ता नहीं. Also आप इसके heat pipes, कुछ components like SSD, Wi-Fi card को भी देख सकते हैं. Approx 5 heat pipe दिए हुए हैं इसके अंदर में, which runs with cooler booster 5. इसका top profile को on करने पे आप cooler booster का use कर सकते हैं, and shortcut wise FN and arrow key sign को भी अगर आप use करेंगे तो cooler booster directly आप on कर सकते हैं. On and off दोनों के लिए यही arrow sign है. एक बात और, इसके फैंस के ऊपर छिद्र नहीं दिए गए हैं, फैंस ढके हुए हैं. आई डोंट नो व्हाई दिस डिजाइन, ये ठंडा रखने में काफी मददगार साबित होता है, बट सैडली ऐसा नहीं है इसमें. सो ये है कैमरा एंड माइक का टेस्ट. वैसे तो ये 720 मेगापिक्सल का कैमरा है, थोड़ा और लाइट रहेगा तो शायद ज्यादा अच्छा दिखाई देगा. फिलहाल इट्स ओके टाइप, आपको दूसरे वाले हिस्से के लोग आपको पहचान पाएंगे एटलीस्ट. इसके बाद फुल साइज का कीबोर्ड मिलेगा विद नम पैड, जिसको ठूस ठूस करके एडजस्ट किया गया है, बट एरो साइन की फुल साइज का है. ट्रैक पैड इसमें नॉर्मल साइज का ही मिलेगा, बट काफी स्मूथ है. ऑल्सो कीबोर्ड RGB नहीं है, ये सिर्फ लाल ही जलता है बस. इसका ब्राइटनेस भी आप कीबोर्ड शॉर्टकट से मेंटेन कर सकते हैं. ऑन ऑफ का स्विच भी सेम बटन पे दिया हुआ है. सो ओवरऑल कीबोर्ड एंड ट्रैक पैड इज ओके एक बजट लैपटॉप के हिसाब से. पोर्ट्स लेफ्ट साइड में आपको मिलेगा चार्जिंग पिन, एयर एग्जॉस्ट, 1 USB 3.2 पोर्ट एंड 1 USB पुराना वाला पोर्ट. राइट साइड में मिलेगा 1 3.5 ऑडियो जैक कंबाइंड वाला, 1 USB 3.2 पोर्ट एंड एक थंडरबोल्ट 4 का पोर्ट. इसके साथ एक HDMI पोर्ट जो कि डायरेक्टली DGPU से कनेक्टेड है. इसका असर आपको गेम्स में विद एक्सटर्नल मॉनिटर पता चलेगा, आप उसको ज्यादा महसूस कर सकेंगे. सो गेमिंग बेंचमार्क्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इस वीडियो में हमने उसको मेंशन नहीं किया है. इसके साथ आपको एक RJ45 का डेडिकेटेड पोर्ट भी मिलेगा. बैक साइड में दोनों ही एग्जॉस्ट फैंस लगे हुए हैं, राइट साइड में एक एग्जॉस्ट है एंड लेफ्ट साइड में कोई भी एग्जॉस्ट नहीं दिया गया है. स्पीकर इसका नीचे की तरफ ही है एंड इसका ऑडियो काफी इफेक्टिव लगा मुझे. लाइक गेमिंग विद हेडफोन्स तो इसका असर काफी अच्छा था, क्योंकि इट कम्स विद निमिक 3. इसको अलग से अपडेट करना होता है फ्रॉम विंडोज स्टोर. बाकी जनरल निमिक ऑडियो का एग्जांपल के लिए मैं आपको इसके ही डायरेक्टली सेंटर से आपको सुनाता हूं, ताकि आपको एक आइडिया मिल सके. मेरे हिसाब से आराम से 2 लोग बैठ करके पास पास मूवीज देख सकते हैं. बाकी MSI सेंटर में आपको 4 प्रोफाइल दिए गए हैं, एक्सट्रीम, बैलेंस्ड, साइलेंट एंड सुपर बैटरी. एक लास्ट में कस्टमाइजेशन का भी ऑप्शन है, जहां आप फुल पावर सप्लाई के साथ साथ फुल फैन स्पीड को भी ट्राई कर सकते हैं, विच इज कूलर बूस्टर 5. बाकी सिस्टम वाइटल्स आप चेक कर सकते हैं, प्रिटी नीट एंड क्लीन फ्रंट एंड. बाकी और भी बहुत कुछ है, यू कैन चेक दैट आउट. एक्स्ट्रा इसमें मिलेगा विंडोज 10 ही, बट इसको आप अपग्रेड कर सकते हैं ऑन विंडोज 11. एक बार आपने अपग्रेड किया 10 को तो ये मैसेज अपने आप आपको नजर आएगा. सो योर चॉइस. ऑफिस भी इसमें है, बट वो जिंदगी भर नहीं देने वाला. साथ में एंटीवायरस नॉर्टन का मिलेगा, बट वो 60 दिन के बाद में वायरस के साथ मर जाएगा. बैटरी 53.5 वाट का है एंड 180 वाट का एडाप्टर के साथ आएगा. बैटरी अप्रॉक्स 2.5 आवर्स चलता है ऑन साइलेंट मोड. इतना ही बैकअप है इसका, इससे ज्यादा अगर आपको चाहिए तो सुपर बैटरी मोड पे आप चलाओ, आपको थोड़ा और ज्यादा बैकअप मिल जाएगा. सो MSI का ये लैपटॉप थोड़ा हीट ज्यादा बना रहा है, बाकी परफॉर्मेंस वाइज इट्स रियली गुड. अगर आपका बजट बहुत ज्यादा टाइट है, अप्रॉक्स 1 लाख के आसपास, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं. वैसे Asus TUF भी एक अच्छा ऑप्शन है, जिसका रिव्यू आपको लेफ्ट साइड वाले वीडियो में मिल जाएगा, डू चेक दैट आउट. बट दैट कम्स विद RTX 3050 Ti एंड 12700H. सो चॉइस इज योर्स.